दिवसीय योग कार्यशाला के माध्यम से आज हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में कुछ आसन और कुछ विद्यार्थियों के लिए जो विशेष लाभकारी है प्राणायाम, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, तीनों का हम विधि सीखेंगे। और जब विधि सीख लेंगे तो घर में इसका अभ्यास करेंगे। जब घर में अभ्यास करेंगे तो हमारा दिमाग तेज होगा, मन शांत होगा, एकाग्र होगा और पढ़ाई में हमारा मन लगेगा। समझ गए? तो पहला है भस्त्रिका, कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका। दूसरा है अनुलोम विलोम, कौन सा है? अनुलोम विलोम। तीसरा है भ्रामरी, कौन सा है तीसरा? भ्रामरी। हाँ, तो अब हम लोग ना तीनों को सीख लेंगे इससे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग इसमें धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरेंगे और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ देंगे। भस्त्रिका में कितने सेकंड सांस भरेंगे और कितने सेकंड तक सांस छोड़ेंगे और कितने मिनट अभ्यास करेंगे? 5 मिनट। तो ये कौन सा प्राणायाम हो जाएगा? भस्त्रिका हो जाएगा। इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा है अनुलोम विलोम। दूसरा क्या है? इसमें दाहिने अंगूठे को उठा लीजिए, हाथ दाहिना हाथ का दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पे लगा लीजिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं को बंद करिए और दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, दाहिना बंद करिए और बाएं से फिर छोड़ दीजिए। अब हाथ नीचे करिए, दाहिने अंगूठे को किस नाक पर रखना है? दाहिने पर। सांस किससे भरेंगे? बाएं से। बाया बंद करके छोड़ेंगे दाएं से, फिर दाहिने से भर के किसे छोड़ेंगे? हो गया। अब ऐसा करेंगे तो कौन सा प्राणायाम हो जाएगा? अनुलोम विलोम। और तीसरा है भ्रामरी। तो दोनों हाथ उठाइए और दोनों अंगूठा को कान पे लगाइए, तर्जनी को ललाट पे रखिए और तीनों उंगली को मोड़ के आंख पे रखिए। और आंख पे जब मोड़ के रखेंगे तो मुंह बंद करना है। अब नाक से सांस भरेंगे और 3 बार घोड़े जैसा गुंजन कर लेंगे। अब हाथ नीचे करिए और धीरे धीरे अपने आप को खोल दीजिए।